नमस्ते दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी जन्माष्टमी। तो फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका सभी को बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था, और वो है हमारे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस यानी कि जन्माष्टमी। तो दर्शकों, अभी सुबह के बज रहे हैं 3:30 और हम जा रहे हैं मंगला आरती के लिए। तो हमने ये सोचा था कि हम जन्माष्टमी की सुबह मंगला आरती अटेंड करने मंदिर जाएंगे, तो हम जा रहे हैं। और कल शाम हमारी यात्रा भी थी जो कि शाम के 5 से रात के 9 बजे तक चली थी, तो हम उस यात्रा में भी गए थे। और घर आते हमें रुद्रपुर से काफी लेट हो गया था, सोते सोते हमें 12 बज गए थे, उठ हम गए थे 2:30 बजे, मात्र 2.5 घंटा हम सोए। और अभी 3:30 बजे हम जा रहे हैं मंगला आरती के लिए, और आपको भी दर्शन कराते हैं भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जन्माष्टमी दिवस बहुत ही खुशी भरा जाए, भक्ति भरा जाए, बहुत अच्छा जाए। और इस व्लॉग पे बने रहेगा अंत तक ताकि आपको हमारा पूरा दिन देखने को मिले किस तरह से हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया। जैसे कि आप सभी को पता है जन्माष्टमी है, तो बहुत ही भव्य कार्यक्रम है आज जो कि आपको देखने को मिलेगा आगे इस व्लॉग में, और बहुत आनंद आने वाला है। तो बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ। अभी हम जाते हैं मंगला आरती में और आपको भी कराते हैं दर्शन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दर्शकों, तो हम मंगला आरती से वापस आ चुके हैं। अभी बज रहे हैं, कितना बज रहा है? 7 बज रहा है। हाँ, मतलब लगभग 7-10 मिनट है 7 बजने में। हमने वहाँ मंगला आरती अटेंड करी, उसके बाद माला करी सभी भक्तों के साथ, बहुत आनंद आया। और आज हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है क्योंकि आज हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna.
तो दर्शकों, हम घर पहुंच चुके थे, काफी समय हो चुका है, बट मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि आज है जन्माष्टमी और इतना टाइम नहीं था कि मैं समय अपना फोन पे दूं, बट अभी मैं फ्री हुई। एक्चुअली हम लोग सब मिलके माधव के लिए भोग बना रहे थे। जैसे कि आप सभी को पता है, माधव को ज्यादा से ज्यादा भोग लगाने चाहिए और आज तो जन्माष्टमी है, उनका प्राकट्य दिवस है, तो जितने ज्यादा भोग आप लगा सके उतने ज्यादा भोग हमें लगाने चाहिए। तो हम भी कोशिश कर रहे थे कि जितने ज्यादा भोग हमसे बन पाए उतने ज्यादा हम बनाएं और भगवान को भोग लगाएं, तो हम वही बना रहे थे। तो कुछ मीठा, कुछ नमकीन, इस तरह से हमने कुछ भोग बनाए हैं। कृष्णा दर्शकों, तो हम घर से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं हमारे भव्य कार्यक्रम के लिए। दिन भर हम बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थे क्योंकि हमें भगवान के लिए बनाने थे भोग और हम वो बना रहे थे, पूरा दिन उसमें चला गया। हमने भोग लगाया भगवान को, तो उसके बाद हम रेडी हुए और भी सेवाएं थी हमारी, तो अब हम जा रहे हैं अपने कार्यक्रम में। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए देखने के लिए कि किस तरह हम जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माधव, राधे राधे। तो दर्शकों, ये रही हमारी रंगोली सेवा। हम सभी माताएं मिलकर रंगोली सेवा कर रही हैं। दीदी आला दे दो, दूसरा उसमें से उस पैकेट से दे दो, या वो है वो किसको चाहिए? हरे कृष्णा माता जी का ऑरेंज भरो, Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा माता जी, आप इस्कॉन की पहली बार आप इस्कॉन के फंक्शन में आई हैं? सेकंड बार आई। फर्स्ट कौन सा था? अच्छा, बोट फेस्टिवल। कैसा लगा? ये देखिए हमारी राधा रानी को। हरे कृष्णा, चलो हरे कृष्णा महामंत्र सुनाओ सबको। हरे कृष्णा महामंत्र सुनाओ सबको। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादी गौ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा माता जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कृष्णा कॉन्शियस फैमिली के बीच आकर जन्माष्टमी मनाकर अभी तो बहुत कुछ बाकी है दर्शकों। अभी हम एक्चुअली आए थे, हम लोग सेवा में थे, हम लोग रंगोली बनाते हैं। आपको रंगोली दिखाती हूँ, उससे पहले आपको दिखाती हूँ हमारे इशू को। इसके दांत टूट चुके हैं। हरे कृष्णा। Thank you.
तो दर्शकों इनका चल रहा है प्रसादम। हम तो अभी नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा व्रत अभी नहीं हम ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि कल है यानी कि 8th of September को है प्रभुपाद जी का प्राकट्य दिवस, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग कल दिन के 12 बजे के बाद ही अपना व्रत तोड़ेंगे। हरे कृष्णा। हम सच्चा मार्ग दिखाया, उनसे प्रभावित होकर कितने लोग श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित हो गए, और देखते ही देखते कृष्ण कॉन्शियसनेस का आंदोलन काफी बड़ा हो गया। दर्शकों, तो हम वापस आ रहे हैं और हमारा जन्माष्टमी कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ। हरि बोल हरि बोल। और हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हमारे कृष्ण जी का प्राकट्य दिवस, और बहुत कीर्तन किया, बहुत नृत्य किया, बहुत आनंद आया। सारे बहुत सारा कीर्तन हुआ, डांस हुआ और नाटक हुआ, और उसके बाद प्रसादम हुआ जिसमें हमने पाया एकादशी प्रसाद,
और हमने अपना फास्ट ब्रेक नहीं किया, क्यों? क्योंकि कल है हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी का प्राकट्य दिवस, तो इस उपलक्ष्य में कल अभी स्टिल हमारा फास्टिंग चल रहा है, कल दिन के 12 बजे के बाद हम अन्न ग्रहण करेंगे और तब तक हमारा फास्टिंग रहेगा प्रभुपाद जी।